आपका गैस चालू नहीं है। राधे राधे एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे स्नेहा दीक्षित ब्लॉग्स को। मैं अभी थोड़ा धूप में बैठी हूँ इसलिए ऐसे हाथ लगाई हूँ, क्योंकि मुझे कैमरे में लिटरली कुछ नहीं दिख रहा कि मैं कैसी आ रही हूँ। मैं मकर संक्रांति आपकी कैसी थी, पतंग वतंग उड़ाई या नहीं उड़ाई मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी कॉलेज में। पतंग तो नहीं उड़ाई ज़्यादा कुछ, उड़ाई क्या हमको धागा ही नहीं मिल रहा था जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, तो उस वजह से कोई पतंग नहीं उड़ाई, बट इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया। और ओपन डीजे नहीं हो पाया तो बस ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं उसके लिए, सब मैंने बता रखा है। सो मैं लास्ट ब्लॉग की बात कर रही हूँ, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, तो अब चेक करना मत भूलना। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, तो जब भी मैं कुछ भी तड़कता भड़कता सा अपडेट करूँगी, अपलोड करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं देखो सब्जी वगैरह लेके बैठी हूँ, सो धूप में बढ़िया काटूँगी थोड़ी बहुत सब्जी। आंटी ने खाना बना दिया बट मैं अभी बनाऊँगी नाश्ते के लिए उपमा, सो थोड़ा सा मैंने सोचा धूप भी ले लूँ और आप सबके साथ छट छट बातें भी कर लूं और धूप में बैठ के सब्जी भी काट लूं। मैंने सोचा एक बात बता दूं, ये आंख दिख रही है अब तो काफी कम हो गई है, पता नहीं यहाँ सूजी थी। कल बहुत ज़्यादा सिर दर्द हुआ, मतलब कल दांतों का ट्रीटमेंट कराया तो दांत तो दर्द बिल्कुल नहीं हुए, कल इतना पूरा ऐसा सिर दर्द हो रहा था, तो सुबह देखा तो यहाँ के एकदम ऐसी ऐसी हो गई थी, ऐसी एकदम फूल गई थी। और ये देखो अभी तक वोट का निशान नहीं छूटा, पता नहीं कौन सी परमानेंट मार्कर से लगाते कि बिल्कुल भी नहीं छूटा अभी तक, बहुत सारे लोगों का नहीं छूटा होगा। मेरा बन रहा है अभी पोहा, नहीं बन रहा इस बार, सच बोला। वैसे आंटी खाना बना गई थी, बैगन का भरता और दाल चावल, दाल और रोटी, तो हमें बना रहे मसाला बन रहा है। और ये देखो सूजी मैंने अब लगाऊंगी भैया का लंच, वो भी लगाना मुझे ही पड़ेगा, लंच भी लगाना मुझे ही पड़ेगा। मेरे राम जी से कह देना जय सियारा, मेरी राम जी से कह देना जय सियारा, मैं राम संग मेरी। तो गाइज मैंने जस्ट अभी पूजा करी, उसके पहले झाड़ू पोछा घर का साफ सफाई जो भी करते हैं वो किया, और अब मैं जल्दी से चेंज करने के बाद भागूंगी डेंटिस्ट के यहाँ। जी हाँ, आज की शायद लास्ट सेटिंग रहेगी और उसके बाद का कुछ और प्लान है, सो अभी जल्दी से मैं तैयार हो जाऊँ, उसके बाद चलते हैं, जल्दी से लेट नहीं होना है। सो मैं डॉक्टर के यहाँ पे थी, काफ़ी सारे पेशेंट थे इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, और उसके बाद निकल गई हूँ मैं, और आज लास्ट सिटिंग नहीं थी, कल भी रहेगी सिटिंग। राधे राधे एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और ब्लॉग एक दिन बाद स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज सबको पता है अभी दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद आने के बाद मैंने कोई ज़्यादा ब्लॉग नहीं लिया, और मेरे पूरे फेस पता नहीं कैमरा में दिख रहा नहीं दिख रहा, पूरे फेस पर एलर्जी है, पता नहीं क्यों है। मैंने एलर्जी का वैसे तो कुछ नहीं खाया है, बट थोड़ी सी ब्रेड खाई थी, मेरे से रुका नहीं गया। दीदी देख रही है पीछे से, और ये लग रही है मेरी पैकिंग अभी यहाँ पे, और मैं निकलने वाली हूँ आज भोपाल के लिए दीदी के पास, और दीदी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है मुझसे, कल बोल दिया था कि कल आऊँगी फिर निकली नहीं, कल क्या बहुत लेट हो गई थी डॉक्टर के यहाँ से आई थी, तो मैं आज जाऊँगी। आप वो दी ना, वो देखो धूप ले रहा है प्यारा सो। सो गाइस जस्ट अभी बस रुकी है, सो मैं यहाँ पे खा रही हूँ इडली और सांभर, ये देखो। और दीदी अभी भी गुस्सा है मुझसे, मैंने उनको कॉल भी किया था बट उनने मुझसे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करी, तो जाकर उनको भी मनाना है, और खाते हैं जल्दी से। कह
हैं दीदी का रिएक्शन, मानती हैं या नहीं मानती हैं। अभी भी गुस्सा है, मुझसे बात नहीं कर रही है और मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा गर्मी। लोग हैं कि मानने को रेडी नहीं रेडी नहीं है रेडी। ठीक है, कोई बात नहीं, गप्पे हो गई। लेकिन दीदी कह रही कि गुस्सा बराबर है, क्योंकि कल दीदी ने कुछ तैयारियां कर ली थी मैंने आने की। मैं आ रही हूँ, बैंड बाजे तैयार हो चुके थे और एक गिफ्ट भी आ गया था मेरे लिए, जो कि मैं नहीं खा सकती। एलर्जी का नहीं है, मतलब मैं नहीं खा सकती, बताती हूँ। दीदी उठा दो प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। ये देखो दीदी मेरे लिए कल बाउल लाई थी, बाउल जार सॉरी, चॉकलेट जार। चांस तारे भी हैं ये लाई थी दीदी, और मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि यार मेरे दांतों का ट्रीटमेंट हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मेरे दांतों में फिर से कैविटी हो जाए। थैंक यू दीदी। हम खोलते मैं तो कोई भी चॉकलेट नहीं खाऊंगी इतनी छोटी तो जार में दीदी देखो डेयरी मिल्क देखो 5-5 रुपए वाली, बाप रे। वो दे रही हूँ मैं ये ब्रेड बना के। अच्छा तुम यही कर सकती। पाव फट गया, फट गया दीदी पाव। यहाँ की सारी ठंड एक तरफ और दीदी के फ्लैट की ठंड एक तरफ। दुनिया में हर जगह देखो कहीं बर्फबारी नहीं हो रही है, यहाँ बर्फबारी होती है जो कि दिखती नहीं है, महसूस होती है। पता नहीं अलग सी ठंड, पता हम लोग क्या करते हैं, सैलून जाते तो यहाँ देखो कोट वोट पहन के चले जाते हैं। जैसे सैलून पहुंचते यार कितनी गर्मी लग रही, कितनी गर्मी लग रही है ना दीदी। ये क्या कर रहे हैं, जल गए यार हमने ऐसे। देखो पाव नहीं किया, देखो जल गए। पाव बना रहे कि हलवा बना रहे दीदी, देखो हम जल गए यार, पूरा पैन हमारे हाथ में चिपक गयो। कसम से बिना सही बताए गाइस, यू नो व्हाट इज चिपक गयो। चिपक गयो इज लाइक अ चिपक गया, जो जैसे चेपू लोग होते हैं ना दीदी जैसे, वो चिपक दीदी जैसे है चेपू लोग। और बात के मुझे कॉल करते रहते हैं। अगर कोई डायलिंग लिस्ट तुम्हारी चेक कर लेना, समझ में आ जाए कि दीदी टॉप पे हैं कि दीदी लास्ट में। कौन हिसाब से डल रही है तुम्हारी पत्ती, ढाबा में बना रही? हम सोच रहे हैं एमसीए चाय वाला बन जाए। और तुम ये बना मूंगफली है, मूंगफली बना एमसीए चाय वाला। और चाय बनाए नहीं, और मतलब ज्यादा बना दे। नहीं जी जी थोड़ी आ रहे हैं। नमक शमक गाइस देखो दीदी इसलिए बुलाती है मुझे यहाँ पे, बताना कितनी थोड़ी और, थोड़ी और बस। तुम नहीं ले रही? नहीं देखो अच्छे आपका गैस चालू नहीं है। यार वो बंद किया स्पेशल कसम से बता रहे, अगर जो भी फैली चीज है किचन फैली तो मालती आंटी संभाल देंगे। कौन सी आंटी? मालती आंटी। कौन सी आंटी? ब्रेड कहाँ रखी? मतलब जब भी हट गई थी ना दीदी बनाएंगी तंदूर में खाना। तंदूर है ना दीदी? तंदूर है क्या दीदी ने जो है? तंदूर है, इट्स अ बारबेक्यू गाइस, सॉरी इट्स अ बारबेक्यू। ये देखो गर्मा गर्म बन रही है रोटी। आह बेलने का तरीका बहुत ही नायाब है, वैसे तो पुराना है काफी। हेलो जीजू। हेलो वाह व्हाट अ बिजी हेलो। क्या ही कर सकते हैं, मुझे घर वालों के ही भाव नहीं मिलते, बाहर वालों के क्या खाक मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे बन रहा है मस्त देसी अंदाज में भरता। आलू और टमाटर पहले उबाल दिए थे सॉरी, मतलब इसमें करे थे आग में भूंज दिए थे आग में, और इसमें बाकी चीजें बनाई। हाँ ये रही सिलबट्टे की चटनी, और इसकी रेसिपी डालेंगे दीदी अपन, ठीक है।
गर्मा गर्म गक्कड़ है ना दीदी, गक्कड़ बिल्कुल प्योर बुंदेलखंड जी खाना है गाइस। दीदी देख लेना रोटी ना, तो हमें दे दो एक पहले। गाइस ये रही मेरी डिश, मेरी डिश सॉरी मेरी प्लेट।